हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल इंप्लॉयज गैंग। न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ऐसे तीन शख्स से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने हमारे गांव की प्रधान जी की गान नहीं उनकी जान बचाई है। बिलिये, चंपा, पुष्पा, खल्ली। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन चंपा जी से करना चाहता हूँ। तो बताइए चंपा जी, आपने प्रधान जी की जान कैसे बचाई? तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं अपने चंपा जी से पूछना चाहता हूँ। तो बताइए चंपा जी, आपने प्रधान जी की जान कैसे बचाई? आपको कौन बता दिया मैंने प्रधान जी गान बताया? मैं तो अपनी जान। तो यहाँ पे साफ जाहिर पता चलता है, इन्होंने लाइव इंटरव्यू देते हुए हमारी चंपा जी, इन्होंने बताया कि हमने प्रधान जी की जान नहीं बचाई, इन्होंने अपनी चंपा जी की जान बचाई है। तो यहाँ इस इंटरव्यू से पता चलता है चंपा जी के, इन्होंने बेबाक अपनी बात रखी, इन्होंने बताया कि हमने प्रधान जी की जान नहीं बचाई, इन्होंने अपने चमेली जी की जान बचाई है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पुष्पा जी से मिलवाना चाहता हूँ। आजकल के बहुत ही फेमस हैं ये पुष्पा जी, और इनसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जब प्रधान जी गिरे हुए थे तो ये प्रधान जी को क्यों नहीं उठाए? तो इसी बीच हमारे पुष्पा जी लाइव इंटरव्यू में बैठे हुए हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इनसे करना चाहता हूँ। तो बताइए प्रधान जी, जब आपके सामने गिरे पड़े हुए थे तो उनकी दशा क्या थी? दशा तो उनकी 10 ग्राम की थी। जब हमने देखा वो पी के लुढ़क गए हैं, फिर हमारे अंदर भी एक एटीट्यूड आया, पुष्पा पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। तो यहाँ पे साफ जाहिर पता चलता है कि पुष्पा जी, इन्होंने क्यों नहीं उठाया प्रधान जी को, और प्रधान जी पी के लुढ़के हुए थे। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा लाइव इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। इस जाहिर साफ जाहिर पता चलता है प्रधान जी पियक्कड़ है। अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ हमारे इस तीनों जोड़ियों में से सबसे महान, जो सबसे ताकतवर है इस तीनों लोगों के बीच में, उनका नाम है द लूजर खल्ली। तो इसी बीच हमारे आ चुके हैं लाइव इंटरव्यू में द लूजर खल्ली, 52 बीघा के विजेता 2020 के। अब मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इन्होंने प्रधान जी की जान कैसे बचाई? अगर इनसे प्रधान जी लड़े तब जान बची, या इनकी साइकिल से जान लड़े तब जान बची, आप बताइए। प्रधान जी हमसे लड़े तब उनकी जान बची, नहीं तो हमारे साइकिल से लड़ते तो खत्म हो जाते। तो इन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि अगर ये इनसे लड़े तब इनकी जान बच गई प्रधान जी की, अगर इनकी साइकिल से लड़े होते तो प्रधान जी आज नहीं रहते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लाइव इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। तो गाइस, प्रधान जी यहाँ पे नहीं मिले हुए हैं, तो मैं लाइव कंटेंटेंट आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप प्रधान जी के पीए क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से जब प्रधान जी बीमार रहेंगे तो उनका पद उनका पीए संभालेगा, तो उससे मैं मिलने जा रहा हूँ। तो देखते हैं प्रधान जी का पीए कहाँ पे है। तो आइए गाइस। तो गाइस हम आ चुके हैं प्रधान जी के पीए से मिलने के लिए। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो मिले हैं गांव के पंचायत भवन में। तो आइए गाइस, उनसे हम लाइव इंटरव्यू करते हैं। हमारे इस प्रधान जी के पीए मिल चुके हैं गांव के पंचायत भवन में। हमने इनको टंगवा दिया है सारे आम, क्योंकि ये अपने इंटरव्यू देने से बच रहे थे। तो मैं इनको इंटरव्यू शो पे लेके जा रहा हूँ, बुलेट्स गैंग के लाइव शो पे। तो गाइस अब मिलते हैं हम इनको बुलेट गैंग के लाइव शो पे, और इनका बेबाकी से इंटरव्यू लिया जाएगा और ये अपनी बात रखेंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं बुलेट गैंग का शो। तो गाइस आप लोग देख लीजिए यहाँ पे लाइव, मैं इनको लाइव पीए जी को उठा के लेके लाइव शो पे लेके आ रहा हूँ हमारे बुलेट गैंग लाइव शो पे। आप लोग भी चलते रहिए यहाँ पे, देखिए किस तरीके से आ रहे हैं हमारे लाइव शो में जुड़ने के लिए प्रधान जी के पीए। ये बताएंगे कि प्रधान जी के साथ क्या हुआ था और कैसे उनकी जान बची। तो आज हमारे इस लाइव शो में जुड़ चुके हैं प्रधान जी के पीए धुरंधर सिंह। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि प्रधान जी की हालत कैसी है? प्रधान जी की तो हालत ठीक है। प्रधान जी की हालत इन्होंने बताया ठीक है। अब इनसे मैं क्वेश्चन को करना चाहता हूँ कि प्रधान जी के साथ आप रह के 5 साल में आप लोगों ने क्या सीखा और क्या जनता को उद्देश्य देना चाहते हैं, बताइए। मैं अपने सामने किसी को नहीं समझता, पुलिस को भी नहीं। मैं बन गया बबनौली का पीए। मैं के लिए किस अपना था सर पे ताज, बबनौली पे राज। तो देखिए किस तरीके की कूटनीति राजनीति बैठ के कर रहे हैं, ये बस राज करना चाहते हैं। तो ऐसे कंटेस्टेंट को बिल्कुल ना चुनिए आप लोग, ऐसे प्रधान जी को बिल्कुल ना चुनिए आप लोग, ऐसे पीए को बिल्कुल ना चुनिए आप लोग। तो मैं इनसे लाइव एटीट्यूड में देख लिया आप लोगों ने कि ऐसे प्रधान को बिल्कुल ना चुने, अगर ये पी के लुढ़के रहेंगे तो ये विकास क्या करेंगे गांव का। तो देखा आपने कहते धुरंधर ने अपना बेबाकी से इंटरव्यू दिया जनता के सामने, और क्या इनके दिल में है वो भी बता दिया। ये बस अपनी राजनीति सत्ता हासिल करने के लिए करना चाहते हैं, कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, लेकिन
कुर्सी का मजा चखना चाहते हैं लेकिन विकास की बात बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। तो अब की बार आपको तय करना होगा कि अब की बार धुरंधर सरकार या धोवरजंगा सरकार। हेलो गाइस, मैं वोकलिस्ट हबीब। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे चैनल का नाम बुलेक्स गैंग है और एक साल बाद वीडियो आ रही है। एक साल तक मेरा चैनल ब्लॉक था, उसको मैं कैसे कैसे करके खोला हूँ और वापस से वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए लेके आ रहा हूँ। और जितनी भी वीडियो बनती है ओनली सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं होती है वीडियोस। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि हमारा चैनल डेड हो चुका है। जब तक इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारी इस वीडियो ग्रो नहीं होगी और हमें आगे काम करने में मजा भी नहीं आएगा। तो आपसे एक ही अपील है, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल का नाम बुलेट्स गैंग और वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।